सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ पाल वर्ल्ड। सो अगर आपने लास्ट एपिसोड जाके नहीं देखा, आप न्यू व्यूअर हो हमारे चैनल के, तो अभी जाके देखे हमारा लास्ट एपिसोड। तो हमने पिछले एपिसोड में एक बेस को बस बना दिया था, थोड़ा सा रिसोर्सेस वगैरह गैदर किए थे, और ये सब जो हमारे हाथ में टूल्स हैं इन्हें बनाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना सब कुछ करना भी एक बहुत मेहनत का काम होता है। तो आज हम बेस को थोड़ा और एक्सपांड करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे या फिर हमारे जो अभी के जो पोकेमॉन्स हैं उनके पास खाना पीना ही नहीं होगा, तो आगे हमारा काम कैसे चलेगा। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि कुछ बेरी प्लांटेशन वगैरह बनाना है, जिससे कि हमारे जो पोकेमॉन्स हैं, पाल्स हैं, वो खुद ही उसे उगाकर खाना खा लें। और अभी हमें यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बनानी है, तो अभी हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो वर्क बेंच बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं पिछले एपिसोड में तकरीबन 3-4 अलग अलग वर्क बेंच अलग अलग जगह बना चुका हूँ, बट क्या ही करूँ, हर जगह किस्मत इतनी ख़राब थी पिछले एपिसोड में, तो इसीलिए बनानी पड़ी इतनी सारी वर्क बेंचेस। सो अभी हमने एक वर्क बेंच फिर से क्रिएट कर ली है। सो अभी हम जो है दूसरी और कई सारी चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं जो अभी हमने अनलॉक की हुई है, और आज हम एक घर भी बना के रहेंगे, ताकि हम अपना एक बढ़िया सा शेल्टर तैयार हो जाए, हम एक बढ़िया घर बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें रात में जो ठंड से मरने वाली परेशानी है वो वापस नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ एक सिंपल सा घर बनाएंगे आज के एपिसोड में, बाकी फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम बढ़िया बढ़िया पोकेमॉन्स पकड़ के लेके आएंगे, और उसके बाद उन पोकेमॉन्स को एक नंबर तरीके से अपने बेस पर रख देंगे, और बड़े उनसे और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स पकड़ के लेके आएंगे। तो अभी हमारे पास जो भी फालतू की चीज़ें हैं, मतलब फालतू की तो नहीं है, जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट हो गया वो फालतू का नहीं है, वो बहुत काम की चीज़ है, बट अभी हम इन चीज़ों को अभी जो हमने एक क्रेट बनाया है हम इसमें रख देते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया था, मेरा अभी कंट्रोल पर हाथ थोड़ा कम ही बैठा है, सो अभी हम कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं गेम को। तो अभी हमें एक कैंप फायर भी बनाना होगा, ताकि जो है हमारे पोकेमॉन्स को भी ठंड ना लगे और हमें भी ज़्यादा ठंड ना लगे। हम इस क्या बोलते हैं इसे, कैंप फायर जो है इसे थोड़ा सा दूर ही बनाएंगे, क्योंकि अगर हम या हमारे पोकेमॉन्स वर्क बेंच पे कुछ भी काम करते हुए, तो ये होगा कि हम और हमारे पोकेमॉन्स में आग लग जाएगी। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आग लगा के, अभी जैसे मैंने अपने आप पर आग लगाई है, तो ऐसे हम पे आग लग सकती है, और फिर बार बार हमें पानी की तरफ भागना पड़ेगा हमें अपने आप को बुझाने के लिए। और अगर हमारे पोकेमॉन्स पे आग लग गई तो वो तो ऐसे पानी में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें तो इतना इंटेलिजेंस है ही नहीं। तो हमने थोड़ा सा कैंप फायर दूर ही बिल्ड किया है, ताकि जो है हम और हमारे पोकेमॉन्स में आग ना लगे। तो ये अभी हमारा चीकी पी इधर पड़ा हुआ है, ये पिछला एपिसोड में ये इसको हराने के कारण मर गया था हमारा चीकी भी। ये चीकी भी हमारा फर्स्ट पोकेमॉन था, अगर आपने पिछले एपिसोड में देखा हो तो। सो अभी हमने जो है हमारी जो नॉर्मल सी कुछ चीज़ें हैं उन्हें बिल्ड कर लिया है, जो बेसिक्स चीज़ें जैसे एक प्रिमिटिव वर्क बेंच और कैंप फायर वगैरह, और बाकी ये क्रेट बना लिए। तो हम थोड़ा सा खाना खा लिया है हमने, ताकि हमारी हेल्थ ना जाए भूख के कारण। तो अभी हमारे पास जो है एक स्टार्ट पॉइंट्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट पॉइंट्स को पहले हेल्थ और वेट में ही इन्वेस्ट किया जाए हमारे स्टार्ट पॉइंट्स को, क्योंकि क्या होता है कि गेम में मेनली जो है वो हेल्थ और वेट ही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम जो बना रहे हैं वो पाल स्पीयर्स बना रहे हैं, ताकि हम हमारे बेस के लिए थोड़े बहुत पोकेमॉन पकड़ के लेके आ जाए, 2-3 पोकेमॉन पकड़ के भी लेके आ जाएंगे ना, तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। हम हमारे बेस पे उनको छोड़ देंगे तो वो उनका काम करते रहेंगे। तो अभी जो है हमने ये बना लिया है। तो हमारे यहाँ पर एक वॉन्टिंग मर्चेंट आया था गाइस, तो हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बेच रहा है। तो देखते हैं पहले क्या है इसके पास। इसके पास चीज़ें तो बहुत सारी है, बट हमारे पास वो ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है। सो हम इसे जाने देते हैं, भाई तू जाते रहें, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है अभी कुछ भी ख़रीदने का, तो इसलिए हमने उसको भेज दिया है। तो अभी मैं सबसे पहले अपने जो पाल स्पेयर्स हैं इन्हें उठा लेता हूँ। अब हमारा जो मेन टारगेट अभी के लिए है वो है हमें एक बो बनाना है, जिसके लिए हमें वुड कम पड़ रहा है, और इस गेम में वुड की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमें एक ऑटो फार्म बनाना पड़ेगा वुड का, स्टोन का,
इसका एक ऑटो फार्म बनाना ही पड़ेगा, ताकि जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑटो फार्म बनाएंगे जिससे हम उस पर हमारे पोकेमोन्स छोड़ देंगे, तो वो वुड कभी ख़त्म ही नहीं होता है उस पर, ये लोग हमेशा तोड़ते रहेंगे, लकड़ी तोड़ते रहेंगे, पत्थर तोड़ते रहेंगे, तो ये वो काम करते रहेंगे। बट पता नहीं है हमारा लैम्बॉल उधर पानी के उधर किधर घूमने जा रहा है, तो हम इसको ज़रा इधर पटक देते हैं। साले इधर उधर मत भागे, तो इधर बैठ चुपचाप से। तो अभी हम जो पत्थर वगैरह थोड़े इकट्ठा कर लेते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी रिसोर्सेज की, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो हम सर्वाइवल, किसी भी सर्वाइवल गेम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो हमारा मेन टास्क जो होता है इनमें, वो है कि हमें जो भी रिसोर्सेज दिखता जाए हमें उसे उठाते जाना है। तो अभी हमें जो ओल्ड बो बनाना था, पर वो अभी भी नहीं बन रहा है क्योंकि हमारे पास वुड अभी भी कम है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि इस गेम में वुड की बहुत हद पार कमी रहती है। तो मैं अभी सबसे पहले अपना फावड़ा निकालता हूँ, मतलब इसे फावड़ा तो नहीं बोलते हैं, फावड़ा एक अलग चीज़ होती है, बट डिज़ाइन के लिए मैंने बोल दिया इसे फावड़ा। तो मैंने अभी अपना फावड़ा निकाला और मैं इस पर पेड़ पर लट्ठे मार रहा हूँ। तो अभी मैंने पेड़ पे से बहुत सारी लकड़ियाँ उतार ली है। अब लकड़ियाँ तोड़ने के बाद मेरा बो जो कि है बन सकता है। तो अभी मेरा लैम्बॉल इधर आ रहा है। देखिए मैंने अच्छा किया कि कैंप फायर को उधर ही लगाया, क्योंकि अगर मैं कैंप फायर को बिल्कुल इसके सामने अगर लगा देता वर्क बेंच के सामने, तो क्या होता कि हमारे लैम्बॉल में और हम पर भी फायर कैच हो जाती। तो देखिए हमने कितनी जल्दी से वो बना लिया। अब हम कुछ एरोज बनाना चाहेंगे, बट एरो हम बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा एरो बना लिए तो हमारे जितना भी रिसोर्सेज है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो हम अभी कुछ क्वांटिटी में सिर्फ एरो बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बना रहे हैं, हम भी थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी काम नहीं पड़ जाए। बट ये तो यार काफ़ी स्लो है, और हमें तो किसी अच्छे पोकेमोन की ज़रूरत है जिसका हैंडीवर्क लेवल थोड़ा हाई हो। तो अभी तो हम एरो उसे बनाने देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखते हैं हमारे पास कुछ और भी है क्या, क्या अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी हमें हमारे पाल्स को सुलाने के लिए एक बेड भी अनलॉक करना पड़ेगा, हमारे सोने के लिए बेड अनलॉक करना पड़ेगा, और हमें ये क्लॉथ भी अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी कुछ कुछ मिशंस था। तो हम ये कॉमन शील्ड अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि कॉमन शील्ड बनाने पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगता है। तो मैंने अभी कॉमन शील्ड को छोड़ दिया है। एक हम बनाएंगे ये फूड बास्केट जिसमें हम हमारा खाना रख सकते हैं, एक हम बेरी प्लांटेशन भी अनलॉक कर लेंगे ताकि हम उस पर बैरी उगा सकें। तो हमारे बेस का जो लेवल अपग्रेड है वो आ गया है, तो हमने हमारा बेस को अपग्रेड कर लिया है ताकि हम उस पर एक से ज़्यादा पोकेमोन रख सकें। अब उससे क्या होगा कि हम हमारे पोकेमोन्स को बेस पे ज़्यादा पोकेमोन्स छोड़ पाएंगे, उससे ये पोकेमोन ज़्यादा काम करेंगे। तो हम पहले एक पोकेमोन छोड़ पाते थे, अब हम दो पोकेमोन छोड़ पाएंगे, तो उससे हमारे बेस की जो अल्टीमेट ग्रोथ है वो बढ़ेगी। तो अभी हम जो है कि बेस तो अपग्रेड हो ही चुका है, तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। हमारे जो एरोज हमने बनने के लिए रखे थे वो भी बस बनने ही वाले हैं, इसमें थोड़े से एरो बचे हैं बस, ये हो गए क्राफ्ट। एरो हमारे सक्सेसफुली क्राफ्ट हो चुके हैं। ये हमारा चिकी भी जो है जो मर गया था साला, ये फिर से ज़िंदा हो गया, तो हम इसको पार्टी में रख लेते हैं अपने साथ। और हमारा जो लैम्बॉल है लकी लैम्बॉल, उसको भी हम हमारे साथ में रख लेते हैं। और अब हमने एरो भी तैयार कर लिया है, हमारा बो भी तैयार कर लिया है। ये देखिए एकदम मस्त चल रहा है, ये एकदम ख़तरनाक चल रहा है। अब इससे क्या होगा कि हम दूर के जो थोड़े से डिस्टेंस के जो हैं पास, उन्हें भी हिट कर पाएंगे, क्योंकि इसके बिना जो कटीवा है और वो पेंगुलेट है उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो डर के बहुत तेज़ी से भागने लग जाते हैं, और हम जब तक उन्हें हिट नहीं करें तब तक वो अग्रेसिव नहीं होते और हमें मारने नहीं आते। तो हमने एक बढ़िया सा बो और एरो क्राफ्ट कर लिया है, तो अभी हम जाते हैं कटीवा वगैरह पकड़ने। ये जो आप पिंक पिंक से देख रहे हो छोटा सा, ये है कटीवा, और ये साला घुसे ही घुसे मारता आएगा एकदम आके दौड़ते हुए, देखना भी आप ये आएगा। तो अभी मैं पहले ये देखो ये कैसे आ रहा है दौड़ते दौड़ते। तो मैं इस पर मेरा लैम्बॉल छोड़ देता हूँ, तो मेरा जो लैम्बॉल है वो इनको सबको बढ़िया तरीके से मार देगा, क्योंकि लैम्बॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक को तो मैंने पहले ही लो कर दिया था, तो ये तो कैप्चर हो ही जाएगा क्योंकि इस पर तो 97% रेट है। और दूसरे वाले को थोड़ा लैम्बॉल पिट रहा है हमारा, बट कोई बात नहीं, उसको वापस बुला लेते हैं। इस पर भी हमारा 96% के चांस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को दिक्कत ही नहीं है कि ये नहीं आएगा। ये देखिए ये आ चुका है, 100% कैप्चर हो गया। तो ये जो था कटीवा, ये क्या करता है कि ये बेस पे माइनिंग करता है, मतलब अगर हमारे जो बेस की रेंज है अगर उस रेंज के अंदर वहाँ पर कोई पत्थर वगैरह पड़ा है तो ये उसको तोड़ देगा और उसके छोटे छोटे पीसेस बना देगा जिसकी हमें ज़रूरत लगती रहती है।
ये आपको वर्क बेंच, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा हो तो आपको याद ही होगी कि हमने यहाँ पर बनाई थी उस दिन रात में, फंस गए थे। तो अभी हम जो ढूंढ रहे, एक पानी वाला पोकेमोन ढूंढ रहे जिसका नाम है पेंगुलेट। वो एक्चुअली आइस और वाटर दोनों का काम करता है। वो क्या है कि वो हम जो बेरी प्लांटेशन बनाएंगे उसमें वो पानी डालने का काम करेगा, और उससे होगा ये कि ये खुद ही अपना खाना होगा कि खा पाएंगे। तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास एक भी पानी डालने वाला पोकेमोन नहीं है। तो ये देखिए हम पे ये कैसे क्या बर्फ़ फेंक रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, बट ये बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली में। इससे बचना बहुत मुश्किल है, ये लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये बहुत ईजीली किसी को भी जमा सकता है। तो हमारा लैम्बॉल तो बहुत ज़्यादा ही पिट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो अभी मारते हैं हम इसे फटाफट इसे कैप्चर करना है। अभी तो सिर्फ 24% ही रेट है। तो देखिए हमारा लैम्बॉल तो इसे मार रहा है ढंग की तरीके से, थोड़ा सा और डैमेज लेने देते हैं। अरे ये क्या हुआ, देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, ये जमा देता है। अरे हमारा लैम्बॉल इसको मार रहा है, अरे भाई लैम्बॉल, साले लैम्बॉल ने उसको मार दिया यार। अब हमको कोई दूसरा ऐसा सेम पेंगुलेट ढूंढना पड़ेगा। ये आगे तो घूम रहे हैं बट ये साले भाग जाते हैं, इन पर निशाना लगाना साला बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। देखो मैं थोड़ा सा इनके पास आता हूँ, ये एकदम से चौकन्ना होकर भागने लग जाते हैं। हमने इनको कितना ही मारने की कोशिश कर ली, इनको हिट ही नहीं होता है, पता नहीं क्या दिक्कत है इनकी। बट अभी मैं जो है वो इन पर काम कर रहा हूँ, मैं इनको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इनको ईजीली पकड़ सकूँ। सो अभी जो है मैं थोड़ा सा खाना पीना खा रहे पर ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर मेरा थोड़ा फूड बार अच्छा रहेगा तो मेरी हेल्थ नहीं जाएगी, बट अगर मेरी हेल्थ चली गई तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा और मेरा पूरा सामान पता नहीं किधर ही गिर जाएगा। तो सबसे पहले तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि देखिए हमें एक और पेंगुलेट दिखा है, इसको मारने की कोशिश करते हैं। ये बो का यही फ़ायदा है कि हम इस बो से किसी को भी ईजिली हिट कर सकते हैं। तो मैंने अपना लैम्बॉल उधर छोड़ दिया है ताकि वो उसकी हेल्थ थोड़ी सी कम कर दे, तो हम उसे पकड़ लेंगे। अभी थोड़ा सा इनको लड़ने देते हैं। ओके लैम्बॉल की ये एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, फायर वाली। ओके एक तो हिट और बाकी है, बस एक दो हिट, बस लैम्बॉल वापस आ, तो जल्दी वापस आ। 70% रेट है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। ओके 100% आ चुका है भाई, हमने एक पेंगुलेट और पकड़ लिया। पेंगुलेट लिटरली लो लेवल पे बहुत पावरफुल पोकेमोन है, तो हमने एक फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर दिया जिससे हमें एक टेक्नोलॉजी पॉइंट मिल गया। और हमें जो ग्रीन कलर का आपको दूध दिख रहा होगा मैप पे, इसे बोलते हैं मैमथ, इससे भी हमें मारना है, हम इसे भी एक दिन कैप्चर ज़रूर करेंगे। सो अभी हम बहुत सारे पोकेमोन्स लेके आ गए हैं, दो दो कटीवास लेके आ गए हैं, एक पेंगुलेट लेके आ गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन लोगों को बेस पे छोड़ दूँगा। तो मैं अभी सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि हमें क्या क्राफ्ट करना है। तो बेरी प्लांटेशन के लिए क्राफ्ट करने के लिए हमें वुड और स्टोन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं सबसे पहले जो है स्टोन तोड़ लेता हूँ, इसमें स्टोन और वुड की बहुत ज़्यादा ही कमी हो जाती है। बट एट अ टाइम आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि आप जब ऑटोमेशन फार्म बना लेते हो तो इसमें वुड और स्टोन की कमी आपको बिल्कुल नहीं होती है। फिर आपको और इससे एडवांस लेवल के जो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें और वगैरह बोलते हैं, उनकी कमी होने लग जाती है। तो उनके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे, वो आगे की बात है। तो अभी हमारा जो बेरी प्लांटेशन है, बेरी प्लांटेशन जिनको समझ में नहीं आ रहा हो उसके लिए मैं इजी लैंग्वेज में बताऊँ, बेरी प्लांटेशन मतलब एक खेत बना देंगे हम छोटा सा, एक गमला टाइप जिसमें हम अलग अलग चीज़ें उगा पाएंगे। तो देखिए अगर हम बनाते हैं इसके, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम बनाते हैं तो 30 सेकंड लगेंगे, बट क्या करेंगे हम हमारे बेस पे कुछ पोकेमोन्स छोड़ देंगे। तो हम पहले इनका हैंडीवर्क वर्क देखते हैं कितना लेवल का है। तो ये सभी लेवल 1 के, क्योंकि ये लोअर लेवल इसके पोकेमोन है। तो हमने एक पेंगुलेट और एक हमारा लैम्बॉल यहाँ पर छोड़ दिया, साथ ही में हमारे पास से कटिवा भी छोड़ देंगे। तो हम एट अ टाइम 3 पोकेमोन्स को हमारे बेस पे काम करने के लगा सकते हैं, और 30 सेकंड का काम सिर्फ 3 सेकंड में हो गया। ये देखिए बन के तैयार हो गया। तो कटिवा को हम वापस बुला लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी सीडिंग कर देते हैं हम, बट सीडिंग हम देखते हैं कि क्या ये लोग कर सकते हैं। तो शायद कटिवा कर सकता है, एक बार कटिवा को यहाँ पर डाल के देखते हैं। बाकी ये लोग का तो दिख नहीं रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कटिवा करता है कि नहीं करता है। तो एक बार इसको उठा के इस पर लगा के देखते हैं। तो नहीं, कटिवा ये कर नहीं रहा है। तो ये इनको यहाँ बेस पे ही पड़े रहने देते ताकि ये जो है, अरे यार हमने पेंगुलेट बुला लिया साला, ये ठंडी मारेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मैं क्या बोल रहा था कि हमारा जो कटिवा है इन्हें यहीं पड़ा रहने देते हैं ताकि ये यहाँ से जितने भी पत्थर हैं उन सब को तोड़ दे,
और हमारा जो पेंगुलेट है वो क्या करेगा, ये पत्थरों को उठा उठा के उनकी जगहों पर पटकेगा। मतलब जगहों पर मतलब से देखिए कैसे पत्थर लेके जा रहा है, जगह पे से मेरा मतलब है कि ये इसे ले जा के एक वुडन चेस्ट जो है ये उसमें डाल देगा। अब साथ में जो है हमें एक फीड बॉक्स भी बनाना था, बट फीड बॉक्स हम अभी शायद ही बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास फिर से रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो अभी मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ करके देखूँ, थोड़ा फाड़ी करके, बट अभी क्या है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमें ठंड से बचने के लिए एक बेड वगैरह भी क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तो मेरे हाथ में जो एक मशाल है, ये हैंड लाइट जो बोलते हैं इसे, अभी हम इसे लेकर सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये बेड कहाँ से बनेगा, तो मैं पहले बेड ही बना लेता हूँ। तो ये बेड को बना लेता हूँ मैं। सो इस बेड के लिए मुझे जो रिसोर्सेस चाहिए उसके लिए मुझे पहले वुड कलेक्ट करना पड़ेगा, और मैं जैसे ही अपने हाथ से मशाल छोड़ता हूँ मुझे वापस ठंड लगने लग जाती है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ से जितना भी वुड है उसको काट लेता हूँ। तो अभी देखते हैं हम हमारे पास जो खाना कितना है, और हम हमारे लैम्बोल को खिला देते हैं। मुझे एकदम से याद आया कि लैम्बोल पे खाना नहीं था, तो ये पेड़ तो हमने पूरा गिरा दिया है। तो अभी जो ये बेरी वगैरह ये ले लेते हैं और थोड़ा सा लकड़ी और काट लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हम पहले 20 लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये हो गई 22 लकड़ी हो गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये रात को स्कीप करने के लिए, ये हमारे कटिवा देखे आगे मही सो गए, रात को स्कीप करने के लिए हम सबसे पहले जो है हमारे बेड लगाएंगे। बेड लग क्यों नहीं रहा है हमारा, घुमा के देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे यार बेड लगेगा तभी जब हमारी वुडन फाउंडेशन खुली हो और वुडन रूफ हमारी बनी हुई हो, मतलब वो बेड जो है वो ज़मीन पे लगता ही नहीं है। तो हमने जो है वो वुडन स्ट्रक्चर सेट अनलॉक कर लिया है, ताकि अब इससे क्या होगा कि हम जो भी वुडन की जो भी घर वगैरह है वो बना पाएंगे। इससे सब कुछ अनलॉक हो गया एक ही बार में क्योंकि ये स्ट्रक्चर सेट था। तो अभी मैं देखता हूँ ये कहाँ से बनता है, तो मेरे ख्याल से यहीं से बनेगा। हाँ तो ये रहा। तो अभी हमें हमारा घर को किधर बनाना चाहिए, अभी हमने अगर इधर बना लिया तो इधर तो प्रॉब्लम आएगी, हम हमारे काम की चीज़ रखेंगे। तो घर को हम थोड़ा सा ये पानी की इधर बनाते हैं ताकि ये अच्छा भी लगेगा। तो देखिए हमने एक फाउंडेशन यहाँ पर बिछा दिया, बढ़िया दिख रहा है। अभी हम दूसरा फाउंडेशन भी लगाएंगे, और अभी हम ऐसे करते करते पूरे 4 फाउंडेशंस लगाएंगे। हम इस घर को 2x2 का बनाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े घर की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें इस पे वॉल्स भी बनानी पड़ेगी। तो वुडन वॉल्स कहाँ गई, ये रही। तो ये वुडन वॉल्स को बना लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल परफेक्ट। इसे यहाँ पर लगा देते हैं, इसे भी यहाँ पर अटैच करके लगा देते हैं, इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं, इधर साइड से भी इसे पैक कर देते हैं पूरा, इसे इधर से भी पैक कर देते हैं। अब इधर साइड पे जो है मैं एक विंडो लगाना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा ओपन सा बढ़िया दिखे। तो ये मेरी विंडो तो लग ही चुकी है, साथ में मैं सोच रहा हूँ कि एक डोर लगा देता है इधर पे, वैसे डोर तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा जो घर है ये तो तैयार हो ही चुका है बढ़िया तरीके से। अब बेड लगा के देखते हैं इस पर कि कैसे लग रहा है। बट हमारे पास अभी बेड लगाने के लिए फिर से रिसोर्सेज ख़त्म हो गए क्योंकि हमने जो पूरे रिसोर्सेज थे वो घर बनाने पे यूज़ कर दिए। तो अभी हमें पूरे थोड़े पेड़ वगैरह काटने पड़ेंगे। मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा इतना है। मैं एक और बार अपने हाथ में वो मशाल ले लेता हूँ, किधर जा रही है, ये रही आ गई मेरे हाथ में। तो अब हम जो है बेड बना देते हैं क्योंकि हमने फाउंडेशंस तो बना ही दिए। तो बेड यहाँ पर बनेगा, ओके बेड ऐसे लगा देते हैं अभी के लिए टेम्प्रेरी में, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो अभी इसमें 20 सेकंड लग रहे हैं, बट हमारा जो पेंगुलेट है वो इसमें बना लेगा, हमें ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे खाने पे क्या है, खाने में हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी खाने के लिए। तो ये जो मैं अपने स्टेट्स जो हैं इन्हें ही डांस कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है मैंने क्योंकि इससे क्या होगा ना कि उनके सामान है वो इसे ईजिली कैरी कर लेंगे। तो ये हमारे पेंगुलेट ने बेड बना दिया, अब हमें इस पर स्लिप कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि हम इस पर सो नहीं सकते हैं क्योंकि इस पर रूफ नहीं है, तो अब हमें रूफ भी लगानी पड़ेगी। भाई क्या यार, मुझे खुले आसमान के नीचे सोना है, उसमें सोने दो ना भाई, क्या दिक्कत है। तो अभी हमें रूफ लगानी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास देखिए 4 ही वुड है और एक रूफ बनाने में 2 वुड खर्च होते हैं,
तो मैं सिर्फ अभी दो रूफ लगा देता हूँ, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो मैं सो के वापस से उठ ही चुका हूँ। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही गाइस। हमने बहुत कुछ किया आज, हमने ये घर बनाया हमारा, साथ ही में हमने पूरे बेरी प्लांटेशन वगैरह बनाया, थोड़ा सा बेस को अपग्रेड किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम पोकेमॉन्स पकड़ेंगे और बेस को और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, और क्लॉथ वगैरह भी बनाएंगे हम हमारे पहनने के लिए, आर्मर वगैरह भी। सो अब मिलते हैं हम किसी एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।